प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल को वोकल करने की बात कही थी, लेकिन इंदौर इससे दो कदम आगे बढ़कर अब लोकल को ग्लोबल करने जा रहा है। जिसको लेकर इंदौर सांसद ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े लोगों की एक बैठक रखी है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली वस्तुओं को एक्सपोर्ट के लिए अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए भारत सरकार पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। यहाँ तक के आर्थिक सहयोग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन और अन्य एक्सपोर्ट संबंधित सहयोग भी भारत सरकार देगी, ताकि भारत में बनने वाले चीजें प्रदेशों में निर्यात की जा सके और भारत आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम को अग्रसर कर सके। वैश्विक तौर से आगे बढ़ने के लिए क्या प्रयास, लोकल से वोकल से लोकल था, उसको आगे कैसे बढ़ा रहे हैं हम? माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया आत्मनिर्भर भारत, और इस आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए हमने कल एक कार्यक्रम आयोजित किया है, और इस कार्यक्रम में ग्रामीण के लोगों को आमंत्रित किया है, और ग्रामीण क्षेत्र में ही कार्यक्रम है, और इसमें किस प्रकार से इस सरकार ने, केंद्र माननीय मोदी जी की सरकार ने जो निर्णय लिया, एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जो मुझे लगता है कि उसकी चर्चा कम हो रही है, वो ये लिया कि जो किसान है हमारा या कोई व्यापारी है, वो अब सीधे मार्केट में कहीं भी बेच सकता है। पहले ऐसा था कि दलालों के माध्यम से या मंडी में बेच सकता था, अब वो चाहे तो अपने शहर में किसी को बेच सकता है, व्यापारी हो, उपभोक्ता हो, या अपने प्रदेश में बेच सकता है, अन्य प्रदेश में बेच सकता है, यहाँ तक कि अन्य देश में भी बेच सकता है। तो एक बात आ रही थी कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा थी कि जो उपभोक्ता है, उत्पादन करता है, उसको सही दाम मिले। बीच में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमको देखने को मिले कि जो चीज़, खास करके मैं बता, छोटी छोटी चीज़ें जैसे साउथ में या ग्रामीण क्षेत्र में शहद होता है, हनी, उसकी बोतल वो 100 रुपये में से उत्पादक से लेते हैं, और वो हमारे यहाँ की हनी इतनी अच्छी है कि वो वहाँ विदेश में 1000 में बिकती है। तो ये जो बिचौली जो कमाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा थी जो उत्पादन करना है उसको सीधे मिले, तो उन्होंने सीधे एक एक्सपोर्ट की लिंक बनाई है। और मैं आपको बता दूँ, कल हम ग्रामीणों का प्रशिक्षण कर रहे हैं, 500 रुपये में कोई भी ग्रामीण घर बैठ के एक्सपोर्ट का लाइसेंस ले सकता है। और इसमें यही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएँ हैं, सरकार उनकी हर स्तर में मदद करेगी, यहाँ से लेके पोर्ट तक अगर जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन मदद करेगी, वहाँ से अगर विदेश भेजना है तो उसमें मदद करेगी, वहाँ से उनको अगर लोन चाहिए, जो जैसे माल भेज रहे हैं पैसा आने में थोड़ा समय लग रहा है, उसके लोन की व्यवस्था करेगी, और उसके वापस माल लाने की पेमेंट होने की भी व्यवस्था में सहयोग करेगी। तो सरकार ने उपभोक्ता उत्पादनकर्ता को हर स्तर पर मदद करने के लिए बहुत योजनाएँ बनाई है, और हम प्रारंभिक तौर पर मैंने जब योजना किसानों के कुछ साथियों को बताई तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ, और हम अब हर छोटे छोटे गांव में वो कार्यक्रम करने जा रहे हैं। कल एक समूह का कार्यक्रम है लगभग 100 लोगों का, जिसमें हम उनको प्रारंभिक बताएंगे, और फिर हम उसमें केंद्र सरकार के अधिकारी भी रहेंगे। एयरपोर्ट पर हमारा कार्गो तैयार है जो एक्सपोर्ट करने के लिए, जो एयर कंडीशन, जिसमें फल भी रख सकते हैं, सब्जियाँ रख सकते हैं, फ्रूट रख सकते हैं, फूल रख सकते हैं। तो हम चाहते हैं ये हमारे जो किसान है, ये किसान आत्मनिर्भर बने, और वो चाहें तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं।